सो गाइस, सबसे पहले टेस्टिंग करने वाले हैं हम इस चेयर पर। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कलर गिरा हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, वाह अमेजिंग सक्शन पावर देखिए दोस्तों, इसकी कितनी कमाल की है। हेलो फ्रेंड्स, नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग स्टार क्यू के मोस्ट अफोर्डेबल अपोस्ट्री वैक्यूम क्लीनर का। दोस्तों ये है अपोस्ट्री वैक्यूम क्लीनर जो कि है स्टार क्यू का, और इसे मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से। तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसकी टेस्टिंग करेंगे अलग अलग जगहों पर, सोफ़ा पर, कार में। तो फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। तो पैकेजिंग इसकी काफ़ी शानदार है। तो सबसे पहले हमें बॉक्स में मिल जाता है एक्सटेंशन रॉड, देख सकते हैं ये पीवीसी का है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक और एक्सटेंशन रॉड मिलता है जिसमें ये एक आई थिंक होल्डर दिया गया है, ठीक है। इसको भी करता हूँ मैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो फिलहाल बॉक्स में सीधे अब मेन कंपोनेंट जो हमारा वैक्यूम क्लीनर है उसे निकालते हैं। बॉक्स में पूरा एकदम अच्छे से इसको टाइट करके रखा गया था। चलिए तो ये रहा हमारा वैक्यूम क्लीनर, इसको अनरैप करते हैं। बॉक्स को पहले मैं साइड कर देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा स्टार क्यू का वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर 3-in-1। दोस्तों इसमें आप वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें ब्लोअर का भी फंक्शन आता है, और साथ ही साथ इसमें एक यहाँ पर देख सकते हैं टैंक दिया गया है 5 लीटर का। इससे आप अपहोस्ट्री का भी काम कर सकते हैं, लाइक आपको सोफ़ा हुआ, मैट्रेस हुआ, या फिर कार का इंटीरियर करना हुआ, तो उसके लिए ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो फटाफट से पहले मैं देखता हूँ इसके साथ क्या क्या एसेसरीज़ मिलती हैं, फिर आपको मैं इसके फीचर्स के बारे में एक बार अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ये फ़िल्टर दिया गया है अलग से, ताकि जो छोटे डस्ट पार्टिकल हैं वो ना जाए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक रिमोट मिल जाती है इसको ऑन ऑफ़ करने के लिए, और देखेंगे डिजिटल कंट्रोल करने के लिए। तो इसके साथ एक सेल भी मिला हुआ है, तो इसको मैं अभी लगाऊंगा। फ़िलहाल पहले देखते हैं, यहाँ पर हमें एक मिल जाता है वॉशेबल फिल्टर, ठीक है, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है कपड़े का, ठीक है। तो हेपा फिल्टर नहीं है जो जल्दी ख़राब हो जाता है पानी में भीगने पे, वैसा नहीं है, ये वॉशेबल है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर कई सारे चीज़ें इसमें दी गई हैं टैंक के अंदर, तो इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये है इसका हॉस पाइप जिसमें आपका स्प्रे के लिए अलग से पाइप दिया गया है। यहाँ पर इसमें रिमोट रखने के लिए होल्डर दिया गया है। ये रहा इसका पूरा सक्शन हॉस पाइप, ये आगे की तरफ लगेगा, और ये जो है स्प्रे वाला वो बैक साइड यहाँ पर मोटर में लगेगा, ठीक है। वो मैं अभी आपको असेंबल करके आगे दिखाऊंगा वीडियो में। फिलहाल पहले एसेसरी सारे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसके साथ मिली हुई हैं। तो कंटेनर में हमें एक मिल जाता है अपोस्ट्री नोज़ल वाइट कलर का, जो कि ट्रांसपेरेंट है टोटली। जब भी आप सक्शन करेंगे तो जो भी कचरा रहेगा वो पूरा इसमें विजुअल होगा। तो देख सकते हैं इसकी साइज़ काफ़ी बढ़िया है, इसको करता हूँ मैं साइड में फ़िलहाल। फिर यहाँ पर देख सकते हैं एक और नोज़ल मिला है हमें क्लीनिंग के लिए, इसमें ब्रश भी लगा हुआ है जो कि यहाँ पर है, ये देखिए नज़दीक से मैं दिखाता हूँ, लॉक हो जाता है। तो ये देख सकते हैं ये काफ़ी नैरो जगह जहाँ पर आसानी से नोज़ल नहीं जा पाती है, उसके लिए ये दिया गया है। तो इसको भी मैं करता हूँ साइड में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं भी निकालते हैं। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 2 व्हील, तो ये इसके व्हील्स हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हैं एक स्मॉल व्हील्स हैं ये 2, तो 4 व्हील्स मिल गए इसके। कि बैक साइड जो है वो बड़े व्हील्स हैं, और ये उनके होल्डर्स। बाकी दोस्तों यहाँ पर हमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है वैक्यूम क्लीनर का। बाकी टैंक हमारी खाली हो चुकी है, तो चलिए अब फटाफट से इसको असेंबल करते हैं, और उसके बाद मैं इसके फीचर्स के बारे में आप लोगों को 1 by 1 बताऊँगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले असेंबल करते हैं। तो ये जो फिल्टर है वो हम यहाँ पर लगाएंगे ऐसे, ये ऐसे फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमारा जो ये मोटर है इसको यहाँ पर ऐसे लगा देना है, ये ऐसे फिक्स हो जाएगा। इसका जो ये लॉक है इसको भी हम लगा देते हैं, तो ये हमारा लॉक हो गया।
वायर की बात करें दोस्तों तो ये काफ़ी बड़ा है, एक बार चेक करते हैं। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर्स, ये देखिए दोस्तों 3 मीटर से थोड़ा सा बड़ा है ये, तो ये काफ़ी अच्छा है। और सबसे पहले मैं व्हील लगा देता हूँ, तो ये जो व्हील है वो यहाँ पर लगेगा, ये देखिए ये लग गया। दूसरे साइड यहाँ पर इसमें व्हील लगाएंगे, बस हो गया। और आगे की तरफ जो है स्मॉल व्हील लगेंगे ये दो, तो इसे भी हम लगा देते हैं पहले। ये ऐसे लगा देना है, ठीक है। और ये वाला भी व्हील्स यहाँ पे लग जाएगा, तो वैक्यूम के व्हील्स लग गए। आगे की तरफ यहाँ पर हॉस पाइप लगेगा, ये यहाँ पर ऐसे लगाना है इसको, और ये ऐसे लॉक कर देना है, तो ये आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो एंड है इसमें आप देख रहे होंगे एक पाइप आई हुई है, तो ये स्प्रे वाली है, तो इसको ऐसे यहाँ पर फिक्स करना है, ठीक है। ये यहाँ पर लग जाएगा, और पीछे के साइड एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, ये पीछे के साइड ये वाला पाइप लगेगा जिसके थ्रू ये सक्शन करेगा लिक्विड डिटर्जेंट को, और यहाँ से स्प्रे करेगा आगे के थ्रू। तो इसको ऐसे कनेक्ट करना है, इसमें आपका शैम्पू इस्तेमाल होगा, ठीक है। और आगे की तरफ हम लगाएंगे, एक बार इसको भी मैं तैयार करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो है नोज़ल यहाँ पर अपोस्टी वाला लगेगा, और इसका जो ये स्प्रे वाला पाइप है वो इसका लेंथ भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर ऐसे फिक्स हो जाएगा। ये इसके रिमोट है, ठीक है, तो रिमोट के थ्रू भी इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये यहाँ पर ऐसे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको प्लग करते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं। सो गाइज यहाँ पर टैंक देख सकते हैं मैंने फुल किया हुआ है पानी से, ठीक है। अब इसमें हम अपहोल्स्ट्री शैम्पू डालेंगे, उसके बाद इसके जो फंक्शन है उसको हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो अपहोल्स्ट्री वाला शैम्पू है मेरा, मैं उसको डाल देता हूँ लगभग 10 ml, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है टैंक, अब इसको इसमें इससे इंसर्ट करना है और इसे पीछे ऐसे लॉक कर देना है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं वैक्यूम हमारा रेडी हो चुका है, यहाँ पर मैंने शैम्पू भी डाल दिया पॉजिटिव वाला, और ये प्लग लगाया मैंने। तो ऊपर की साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन दिया गया है, वैक्यूम का स्विच अलग दिया गया है और स्प्रे का अलग। यहाँ से जब आप इसे ऑन करते हैं और ये वाला जब दबाएंगे तो ये वैक्यूम आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ, और अगर आपको स्प्रे केवल करना है तो आप इस बटन को दबाएंगे तो ये स्प्रे वाला सिस्टम ऑन हो जाएगा। ये जो इसका मोटर है वो 1200 वाट का है, और इसकी जो सक्शन है वो 21 kPa है। तो और ये जो टैंक साइज़ देख रहे हैं आपका, ये 25 लीटर का है, और पीछे का ये जो टैंक है वो 5 लीटर का है। तो चलिए अब इसको इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस सबसे पहले टेस्टिंग करने वाले हैं हम इस चेयर पर, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कलर गिरा हुआ है, होली के टाइम से ही गंदा था ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रिमोट कंट्रोल जो है वहीं से मैं इसको ऑन करता हूँ। सबसे पहले वैक्यूम ऑन करते हैं और इसका स्प्रे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वाह अमेजिंग सक्शन पावर देखिए दोस्तों, इसकी कितनी कमाल की है, शानदार। इसका जो ट्रांसपेरेंट नोजल है ना वो काफी वाइड और बहुत ही गजब का है। ये देखिए जो भी सारा कलर अंदर की तरफ था वो अब टोटली वैक्यूम में जा रहा है एक्सट्रैक्शन के थ्रू। ये देखिए गंदगी जो है इस सोफे की चेयर की वो भी निकल रही है, कमाल का वैक्यूम काम किया दोस्तों। देख सकते हैं पूरा का पूरा जो कलर है अभी भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। तो एक दो राउंड में स्प्रे करके देख सकते हैं पूरी तरह से ये क्लीन हो चुका है। अब स्प्रे वाला मैं बंद कर देता हूँ और नॉर्मल जो है विदाउट स्प्रे मैं एक बार इसको ड्राई कर लेता हूँ। तो
5 से 10 मिनट इसको छोड़ देते हैं ड्राई होने के लिए, और उसके बाद चेक करेंगे इसमें कितनी लाइट आती है। वैसे देख सकते हैं जितना भी इसमें कलर था वो सारा का सारा जा चुका है, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। चलिए अब कार पर टेस्टिंग करते हैं। सो गाइज, अब वैक्यूम क्लीनर जो है हम इस्तेमाल करेंगे कार में। यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइविंग सीट के पास बहुत ही ज़्यादा डस्ट है, तो सक्शन पावर टेस्ट करेंगे इसका यहाँ पर क्लीनिंग करके। तो सबसे पहले मोटर को ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया, और ये जो नोज़ल मिला है इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सक्शन कर रहा है। इसमें एक ब्रश भी दिया गया है, तो इसको जब आप ऐसे करेंगे तो ये फिर ब्रश का काम करेगा ऐसे। ये देखिए कितना बढ़िया सक्शन कर रहा है। तो गाइस देख सकते हैं छत बहुत ही ज़्यादा कार की गंदी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्प्रे करके इसका सक्शन टेस्ट करेंगे और क्लीन करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला एरिया कितना बढ़िया क्लीन हो गया, तो ऐसे ही हम पूरी रूफ को क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले स्प्रे कर लेते हैं इस साइड पूरे वॉल्स पर। आप सक्शन करते हैं, अभी देख सकते हैं यहाँ पर हमने सक्शन किया है वो जगह कितनी वाइट दिख रही है और क्लीन दिख रहा है। वहीं आप देखेंगे यहाँ पर तो देख सकते हैं ये डार्क स्पॉट है, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। देख सकते हैं यहाँ पर ये वाले साइड में हमने वैक्यूमिंग किया है अपहोल्स्ट्री का। ठीक है, ये देखिए इसकी चमक कितनी ज़्यादा है, शाइनिंग। अभी ये ड्राई नहीं हुआ है फिर भी देखिए कितना बढ़िया चमक रहा है। वहीं दूसरे साइड आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा एरिया काला है, तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप लोगों को अंतर दिख रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डार्क स्पॉट थे वो सारे चले गए हैं, यहाँ अभी भी वैसे ही कालापन दिख रहा होगा आप लोगों को। दोस्तों इस वैक्यूम से आप ब्लोअर फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला जो सक्शन वाला हॉस पाइप है वो आपका पीछे के साइड यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके इसे लॉक कर देना, फिर ये ब्लोअर का काम करेगा। ऑन करता हूँ मैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त इसका ब्लोअर फंक्शन है। ये देखिए, देख रहे हैं आप। सो गाइज, आपने देखा इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब थी। आप इससे चाहे तो कारपेट क्लीन करना हुआ, या फिर चेयर क्लीन करना हुआ, या कार का इंटीरियर क्लीन करना हुआ, उसके लिए ये काफ़ी परफेक्ट ऑप्शन है। आप इसे परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए अमेज़ॉन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ से जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय।